हाँ जी बिल्कुल जनाब, खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम बैक वंस अगेन। और एक बड़ी टक्कर लेकर आ गए हैं हम आपके लिए। और यहाँ पर तीसरी रात है यहाँ पर कि LCCA क्रिकेट ग्राउंड लाहौर के तारीखी मैदान पर जो है वो एक क्रिकेट मेला अपने तमाम रंग रानाइयाँ बिखेरने के बाद जो है वो आज फैसला कुन मैच पर पहुँच चुका है। और लाहौर क्रिकेट चैम्पियनशिप के सिलसिले में यहाँ पर लाहौर के तमाम जोन्स को मुख्तलिफ 8 टीमों में तकसीम किया गया और खिलाड़ियों को जो है वो फर्दर उनमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई। और यहाँ पर रायवंड और जनाब लाहौर सिटी की टीमें जो हैं वो बिल्कुल आमने सामने हैं। सो टॉस की जानिब चलते हैं। लाहौर क्रिकेट चैंपियनशिप का आज फाइनल खेला जाएगा LCCA ग्राउंड लाहौर में, और दो टॉप टीम्स लाहौर सिटी और रायवंड ग्रीन्स के कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं, मैच ऑफिशियल्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैच ऑफिशियल सिक्का उछालेंगे और लाहौर सिटी के कप्तान कॉल करेंगे। जी, हेड इज द कॉल। हेड जी, तो हेड आया है। लाहौर सिटी के कैप्टन ने टॉस जीता है, जानते हैं इनसे क्या करना चाहेंगे। जी, हम बैटिंग करेंगे पहले। और इस विकेट को देखते हुए आपने मैचेस खेले हैं, क्या टारगेट आपके जेहन में होगा जो आप सेट करेंगे? इंशाल्लाह हमारी कोई ट्राई यही होगी कि 70 प्लस करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। चले, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और रायवंड के कैप्टन, आपने बड़े अच्छे मैचेस यहाँ पर जीते हैं, आज इस विकेट को देखते हुए कितना स्कोर आप चाहेंगे कि जिस पर रिस्ट्रिक्ट करें लाहौर सिटी को? इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है 50 से पहले पकड़ लेंगे इनको। चले देखते हैं कि आप कोशिश में कामयाब होते हैं या लाहौर सिटी कामयाब होती है। तो यहाँ खबर यह है कि लाहौर सिटी ने टॉस जीता है इस बड़े फाइनल में और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर न्यूज फ्रॉम द सेंटर, लाहौर सिटी ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। बिल्कुल यहाँ पर लाइनअप है टीमें, आसिफ अली, बादशाह खान, फरजान अशरफ, गुलफाम भट्टी, इनाम जावेद, जावाद शाह, काशिफ अली, खालिद रबानी, मोहम्मद फैजान, कल के मैच के हीरो गफ्फार और गुलाम गुलफाम जो हैं। दूसरी जानेब अमाद भट्ट, अहमद मलिक, अनसदरा, हनीफ खान, जावेद खान, उनके साथ नुमान खान, रेहान, शहबाज, सुफियान, ताहिर खान और जाहिद सादरा। सो एक बड़ी बैलेंस साइड है दोनों ही, और ये दोनों टीमें इस इवेंट के अंदर बड़ा खूब परफॉर्म करके यहाँ पे आज फाइनल तक रसाई हासिल की है। और अब देखना जरूरी कि हु इज द ग्लैडिएटर, सो कौन लाहौर पे राज करेगा, या रायवंड पैरेट ग्रीन या फिर लाहौर सिटी डार्क ब्लू। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ, आपकी समातों से आवाज टकरा रही है, आसिफ बुखारी क्रिकेट कमेंटेटर और मेरे साथ हैं। बिल्कुल, दिस इज मी दाऊद भूज। सो यहाँ पर दोबारा से आपको बता देते हैं कि लाहौर सिटी जो कि इस वक्त दोनों बल्लेबाज इस वक्त जा रहे हैं बैटिंग पर डार्क ब्लूज में मलबूज, और सो दोनों इफ्तिताही बल्लेबाज वहां पर जवाद शाह नंबर 9 शर्ट पहन रखी है और उनके साथ खतरनाक बल्लेबाज बादशाह खान। सो पैरट कलर में मलबूज जो फील्डिंग साइड है वहां पर रायवन की टीम, लाहौर रायवन की टीम। और यहाँ पर एक बड़ी टक्कर जो है वो हमें देखने को मिलेगी। गुज़श्ता रात जो है वो फाइनल से पहले फाइनल हमने देखा जब एक मजबूत साइड को टूर्नामेंट से नॉकआउट होना पड़ा, और बिल्कुल शायकिन क्रिकेट ने इस मैच को जो है वो सदियों याद रखा जाएगा, एक तारीख साज वो मैच था। लेकिन आज है नया दिन, नया मैच, प्रेशराइज्ड मैच है, ये फाइनल मैच है और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी टीम जो है वो चैंपियन बन जाती है। लाहौर क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 फाइनल जो है वो टाकरा है यहाँ पर। अनस वकास की जानिब से एक बड़ा बेहतरीन आगाज, जवाद शाह जिस अंदाज से थ्रू आउट द इवेंट बड़े जारहाना अंदाज से आगाज करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़े शानदार आगाज, ये वाइट बॉल आ जाएगा अनस वकास की जानिब से। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर किसी जल्दी में नज़र नहीं आते हैं, थोड़ा सा सेटल डाउन होना चाहते हैं। जवाद सीधे बल्ले के साथ बड़ी आराम से जो है वो बैक टू बॉलर बॉल को रोक दिया, लेकिन अगला बॉल जो है वो वाइड आया है। एक दफा फिर अंस इस दफा शॉट खेल दिया है और वहाँ पर डीप फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, फंबल हुए और उसका कोई यहाँ पर इजाफी रन नहीं चुराया गया, मौका ज़रूर था दाऊद। बिल्कुल, यहाँ पे
एक बड़ा खूबसूरत जो ग्रैंड फाइनल है वो जारी है और आगाज यहाँ पे बहुत अच्छा किया गया है क्योंकि अभी तक के लिए वकास जिस अंदाज से जाने जाते हैं बादशाह एंड जवाद की जोड़ी अभी तक के लिए कोई उस तरह के अग्रेसिव पोजीशन में नहीं आ पाए हैं। बहरहाल दो बालें और दोनों पे ही यकीनी तौर के ऊपर दो रन का पैगाम जरूर है, एक वाइट और एक सिंगल की सूरत में। और इस दफा बादशाह खान ने जिसमें अग्रेसिव अंदाज की बात कर रहा था यहाँ पे बादशाह खान को जाना पड़ा है। ओ माई गुडनेस, विकेट नंबर फर्स्ट हैज बीन डन बाय अनस वकास। बिल्कुल ये देखे शाइकिन क्रिकेट जो कि यहाँ पर अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं और बड़ा धचका लगा है। ये दूर बॉल खिलाया था, फुल टॉस था, लॉन्ग हैंडल के साथ गेंद को बाहर पहुंचाना चाहते थे और वहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की, बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर कैच ले लिया है और इस तरह लाहौर सिटी को पहला धचका लग गया है। बादशाह खान यहाँ पे कोई रन ना बनाया, वापसी हुई पहली बॉल पे ही बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे बादशाह, बट मायूस हो गए, वापसी हुई है। नेक्स्ट आने वाले बैटर हैं जो कि कल के हीरो आसिफ, जिन्होंने कल बड़ी शानदार बैटिंग की और आज अब दिखना जरूरी के ग्रैंड फिनाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहां पर आसिफ जो हैं उनके लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही जबरदस्त रहा है और यकीनन आज इस मैच में भी उनको परफॉर्म करना होगा बिकॉज यहां पर पहले ही ओवर की तीसरी बॉल पर इब्तदाई झटका लग गया है लाहौर सिटी की टीम को और आसिफ ने हमेशा यहां पर अभी तक के जो मैचेस खेले गए हैं यहां तक का जो है इनका सफर है तो आसिफ ने मायूस नहीं किया अपनी टीम को। दाऊद बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है इनकी, बड़े खतरनाक बैटर हैं, लाहौर का यंग टैलेंट है, इस दफा सिंगल के लिए आना पड़ेगा। बहुत यहाँ पे शानदार ओवर जारी है अनस वकास का क्योंकि प्रोफेशनल गेंदबाज हैं और आज से दो साल कबल टेबल क्रिकेट में पूरे पाकिस्तान को ये लड़का ललका दे करता था कि है कोई क्रॉस सिंगल विकेट खेलने वाला और बड़ा राज किया है इसने और बादशाह खान ने। बादशाह खैर आउट हुए क्योंकि ऑब्वियसली इनके साथ खेलते रहे हैं और वो वीक स्ट्रेंथ जानते हैं बादशाह की। सो छोटा बॉल डाउन द लेग साइड, यस ऑफ कोर्स, ओ माय गुडनेस, अनस्टूडेंट बिलीव दैट आई वुड लाइक टू से अ लिटिल बिट हार्श कॉल बाय अंपायर, लेकिन यहां पर वाइट बॉल का इशारा जरूर है और ये देखें बिल्कुल सर के ऊपर से भी बॉल गया है। ऐसा ओवर हाइट बॉल था और अब मजीद दिखना जरूरी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा इस दफा उठाकर खेल दिया है, अमोदन बॉल हवा में चला गया है, फील्डर बॉल के नीचे और विकेट नंबर टू गॉन गॉन एंड गॉन। ये देखें बिल्कुल यहां पर स्पोर्ट रन है, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और पहली विकेट में पहली ओवर में यहां पर दो विकेटें जरूर आ गई हैं। ओह माय गुडनेस, दोनों ओपनर चले गए हैं, ये देखें ऊपर सामने बॉल था, ऊपर खड़ा कर दिया है, मिड विकेट एरिया में कैच को लिया गया है और इस तरह यहां पर बादशाह खान के बाद जवाद शाह को भी जाना पड़ा है। फील्डिंग बड़ी कमाल की रही है अभी तक, चांसेस को अवेल जरूर किया गया है। सो जवाद शाह तीन गेंदों का सामना करने के बाद एक ही रन बनाने के बाद आउट हो गए। नोमान ने कल भी दो कैचेस पकड़े थे, आज भी जो है वो कैच पकड़ा है नोमान ने। सो लाहौर सिटी लूजिंग देयर सेकंड मैन। पहले ओवर में ही एक शानदार आगाज किया गया है और जवाद शाह की वापसी हुई है, गफार गोगा भी इस टाइम नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि शॉट था वो ब्लाइंड शॉट खेला था, यकीनी तौर के ऊपर बस एक अंधाधुंध बल्ला घुमा दिया था। नेक्स्ट आने वाले बैटर होंगे गफार गोगा जो कि कप्तान भी हैं टीम के और अब सारी जिम्मेदारी गफार के कंधों पे है। जी बिल्कुल, गफार को आज मैं सेकंड टाइम देख रहा था, यहाँ पर मुल्ही का एक ग्राउंड है तो वहां पर ये बॉलिंग के जरिए आखिरी ओवर में जब 13 रन चाहिए थे तो जब आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे तो उन्होंने वो बॉल बचा लिया था और वहां पर वो मैच विन करवा दिया। सो बॉल के साथ तो आज का दिन अच्छा रहा है, कल बॉलिंग में भी इन्होंने खराब बॉलिंग की थी यहां पर, लेकिन बेसिकली ये बैट्समैन है और बल्ले के साथ रन चाहिए इनकी टीम को, अभी तक नाकाम है इस टूर्नामेंट में। इस दफा शॉट खेला है, ओ माय गॉड, तीसरा विकेट भी हो सकता था लेकिन बॉल गया है बाउंड्री के पार, अंश इज रियली अनहैप्पी।
जी हाँ, यहाँ पे नाराज होना बनता है और पूरी फोर्स के साथ आए बॉल पे गफार गोगा। एक बेहतरीन शॉट है, एफर्ट थोड़ा लेट जंप लिया, बॉल की जो पोजीशन थी उसको समझ नहीं सके हैं। बहरहाल एक बेहतरीन यहाँ पे आगाज कहूंगा, छक्का है जरूर आया लेकिन 8 रन पहला ओवर। अरस वकास जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि दो क्रूशल मेजर जो बैटर्स हैं उनका विकेट इनके ओवर में आया है अंस वकास के। और ओबियसली टीम जो रायवंड है, रायवंड पैलेट ग्रीन के लिए एक अच्छा साइन है कि एक बड़ा शानदार विकेट है वो उनकी टीम के नाम रहा है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी और इससे बढ़कर क्या अच्छी गेंदबाजी हो सकती है। और अगर कहीं ना कहीं वहाँ पर फिंगर टिप्स में बॉल आ जाता तो शायद कैच भी हो सकता था, लेकिन चांस मिला है गुफार, लकी रहे। यहाँ पर अभी तक इस टूर्नामेंट में ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं की है गुफार ने, नॉर विद द बैट एंड नॉर विद द बॉल एज वेल। सो अंस ने बड़ा कमाल का ओवर फेंका है और हक अदा किया है। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, दो विकेटें खोई हैं टीम लाहौर सिटी ने और 10 रन बनाए हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो शायकीने क्रिकेट की एक माकूल तादाद यहाँ पर मौजूद है अपने अपने मनपसंद खिलाड़ी को देखने के लिए, यहाँ पर उसको सपोर्ट करने के लिए मैदान में ज़रूर आज शायकीने क्रिकेट आए हैं। और बिल्कुल यहाँ पर कल जब मैच खत्म हुआ था दूसरा सेमीफाइनल, तो वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो सेलिब्रेशन आपने देखा होगा कि वहां पर दाऊद जो स्पेक्टेटर्स थे उल्टी कलाबाजियां जैसे हम ओलंपिक्स में देखते हैं, यकीन माने कि दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सीन, उसको कैप्चर किया कैमरामैन ने बहुत ही जाफिशानी के साथ। बिल्कुल, कल बड़ा शानदार एक मुकाबला रहा और यहाँ पे बहुत मजा आया कल का जो मुकाबला था उसमें। नुमान को बॉलिंग के लिए लाया गया है और आसिफ जो कि कल के हीरो हैं, कल इन्होंने मुसलसल तीन मुकाबलों में एक बड़ा शानदार खेल पेश किया और वो जो खेल था इनका इनकी टीम पे बड़ा इंतजार कर रहा था और आज भी यही एक्सपेक्टेशन, आज भी वही उम्मीद लिए आज इनकी टीम यहाँ पे मौजूद है। सो इस दफा यहाँ पर उठा कर खेल दिया है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हैं और बॉल को क्लिक किया है, जब तक गेंद को वापस पहुंचाया जाएगा एक रन की तकमील हो चुकी है। और इस तरह लाहौर सिटी 11-2 1.1 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। सो यहां पर बिल्कुल आसिफ को किरदार अदा करना पड़ेगा जिस तरह उन्होंने पहले मैचेस में किया है, गुफार टीम कैप्टन है, उनको अपना कलेदी किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा। सो अभी तक गुफार ने गफार इस टाइम एक खतरनाक इरादे लिए मैदान में मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, छोटा बॉल उठा कर खेल दिया है, देयर इज एनफ, ओ माय गॉड, माइल्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड, 6 रन के लिए। गफार ने नुमान को छक्के की सूरत में नुकसान जरूर किया है, यहां पे दूसरा छक्का आ जाएगा गफार गोगा के बल्ले से, क्योंकि आज ये पूरी फोर्स के साथ जान के साथ आते हैं बॉल के ऊपर। दाऊद, मैं इनका हमेशा वो इनिंग्स उसको एक्सप्लेन जरूर करना चाहता हूं जो कि 2018 में सरगोधा में जो जलई टूर्नामेंट था, पाकिस्तान की तारीख में टेप बॉल क्रिकेट की तारीख में दूसरा टूर्नामेंट था और लाहौर की टीम जो है वो बिल्कुल इसी तरह मुश्किलात का शिकार थी और गुफार गोगा ने वहां पर जबरदस्त बैटिंग करके निकाला था टीम को। एक दफा फिर इस दफा खेल दिया है, माय गुडनेस, फील्डर इज अंडर इट, ओ माय गॉड, थोड़ा सा पीछे अगर हो जाते जगह जरूर थी, 1 मीटर जगह जरूर थी, गेंद को अंदर भी फेंका जा सकता था। बॉलर ना खुश है, कतई ना खुश है, he couldn't believe that at all। ये देखें बॉल हवा में काफी देर रुकी है और फील्डर ये देखें पूरा मीटर 1.5 मीटर पीछे जा सकते थे। गफार भी आई थिंक ये कह रहे हैं कि इन्होंने कैच नहीं लिया मेरा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर कैच का चांस जरूर था। इक्कीस रन आ चुके हैं, पहला ओवर सिर्फ 8 रन पे रहा लेकिन उसके बाद यहाँ पे गफार ताबड़तोड़ हमले हैं वो जरूर शुरू किए हैं इन्होंने। गफार टीम कैप्टन है, एक दफा फिर ओवर द स्टंप्स नुमान, इस दफा बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार क्लियर किया है, फील्डर सिर्फ हवा में जाते हुए इस बॉल को देख सकते थे, रोक नहीं सकते थे, एक और छक्का आया है, गफार ही इज ऑन फायर।
गफार के हाथ में तलवार है और आज जो बॉलर आ रहा है उसको काटते जा रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज से इनकी आज बैटिंग नजर आ रही है बहुत थ्रिल क्रिएटर बैठे रहे हैं ये माशाल्लाह से। लाजवाब आज बैटिंग गफार की जानिब से, और अगर इसी तरह ही ये गफार कहर बरसाते रहेंगे बॉलरों पे तो एक बड़ा टोटल है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। हाँ जी, कल के हीरो का आना बाकी है, कल जिन्होंने समंदर की तहों से अपनी टीम को निकाला था, और दूर खिलाने की कोशिश है। यहाँ पर अंपायर को ये बात नागवार गुजरी है, बाजू खोल दिए, मतलब कि वाइड बॉल है। एक और रन का इजाफा है, 1.4 ओवर्स के बाद लाहौर सिटी की टीम 28 रन पर पहुंच चुकी है, 2 विकेट जरूर गंवाई थी पहले ही ओवर में। ये जो ओवर है वो थोड़ा महंगा जरूर रहा है, बट कोई बात नहीं, टेबल क्रिकेट में जो है वो ओवर में 2 से 3 छक्के अब मामूली बात है, क्योंकि हमने वो मैचेस भी देखे हैं जिनमें 4-4, 5-5, 6-6 छक्के भी आ जाते हैं, बट बॉलर वहां पे भी एक अपने जो नब्ज है उस पर कंट्रोल रखते हैं। गेंदबाज तैयार जी, नुमान। हाँ जी बिल्कुल, गफार गोगा, ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल बाहर है, ग्राउंड से बाहर गेंद को पहुंचा दिया है 6 रन के लिए। जी हाँ, गफार आज खतरनाक इरादे लेके मैदान में मौजूद हैं, और आप ये शायकीन क्रिकेट की जो एक्साइटमेंट है छक्के के बाद वो देख सकते हैं। गफार का बल्ला माशाल्लाह, बेहतरीन बैटिंग यहाँ पे, चौथा छक्का है वो यहाँ पे आ चुका है गफार गोका के बल्ले से, और ये क्या बात है, लाहौरी है तो ऑब्वियसली क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, भंगड़े यहाँ पे जरूर डाले जा रहे हैं, स्पेक्टेटर्स जो लाहौर सिटी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सो बिग प्लेयर बिग मैच अलोंग द ग्राउंड खेल दिया है, अब की बार लॉन्ग ऑफ से दौड़कर फील्डर आए, लेकिन उससे पहले जो है वो डीप मिड विकेट एरिया पर फील्डर ने गेंद को रोक लिया है। 1 रन के इजाफे के साथ यहां पर दूसरा ओवर भी खत्म हो चुका है, 17.50 रन पर ओवर के हिसाब से 35 रन बनाए गए हैं, कप्तान गफार 29 जबकि आसिफ 2 रन पर नॉट आउट जरूर हैं। ग्रैंड फाइनल है तो ऑब्वियसली हमारे सीनियर कमेंटेटर फरहान निसार साहब उनके साथ नुमान आपका साथ देंगे रवा तबसे के लिए। ये लाहौर है, जिंदा दिलाने लाहौर, और यहाँ के बासी यहाँ के मकीन हर लम्हा तफरी की तलाश में रहते हैं, और गफ्फार उन्हें भरपूर एंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं। पिछले ओवर में 25 रन आए, पहला ओवर अच्छा रहा यहाँ पर रायवेंड के लिए जिसमें विकटें गिरी, लेकिन अब कप्तान गफ्फार कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए लाहौर सिटी के लिए, और कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया है नुमान चौधरी ने, खुश आमदीद नुमान। बहुत शुक्रिया फरहान, ये आज ग्रैंड फिनाले है लाहौर क्रिकेट चैंपियनशिप का, ये 3 रोज तक जारी रहने वाला ये टूर्नामेंट, इसमें 10 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की, और आज इसका ग्रैंड फिनाले लाहौर और रायवेंड पैरेट ग्रीन टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। 2 ओवर में बड़ा अच्छा आगाज रहा है लाहौर सिटी के लिए, अगरचे 2 विकेट्स का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ये गफ्फार जो गफ्फार गोगा के नाम से जाने जाते हैं 29 रन पर खेल रहे हैं, सिर्फ 6 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। इस दफ़ा ये वार खाली गया गफ्फार का, अच्छा आगाज किया है अहमद ने, और गोगा की आपने बात की नुमान, तो इनके अलावा लाहौर में जो गोगा के चने हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, यकीनन आपने लुत्फ उठाया होगा सहरी में। उठाकर खेला इस गेंद को ऑन साइड में, यह गेंद ना सिर्फ फेंस को क्लियर कर जाएगी बल्कि यह गेंद एलसीसीए ग्राउंड की छत से होती हुई एक मरतबा फिर ग्राउंड के अंदर आके गिरी है। यह शानदार छक्का गफार का, गफार बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहे, जो गेंद उन्हें स्लॉट में मिलती है वो जाती है बाउंड्री के बाहर, इस मरतबा गेंद हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के दाएं जानिब आकर गिरी, अच्छा कैमरा वर्क यहां पर लाइव 360 और टीपीटी की ये प्रोडक्शन है, और ये मुकाबले आप पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। अहमद का ये गेंद इस दफ़ा सीधा खेले हैं, फील्डर गेंद के नीचे, अच्छी कोशिश ज़रूर, कैच नहीं थाम सके, लेकिन एक यकीनी छक्का ज़रूर बचाया है यहाँ पर।
या फरहान, ये छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं ये ज़्यादा मैटर करती हैं। ये एक छक्का बचाया है अपनी टीम के लिए और देखना होगा कि ये छः रन जो हैं ये मैच के आखिर में कितने वाइटल साबित होते हैं। फुल गेंद था, इसको सीधे बल्ले के साथ खेला लॉन्ग ऑन की जानेब और ये बड़ी शानदार एफर्ट, एक यकीनी छक्का अपनी टीम के लिए उन्होंने बचाया। अगरचे उसके बाद आउटफील्ड में स्लिप ज़रूर कर गए थे, लेकिन ये 11 नंबर की जर्सी जेब तन किए हुए राइवन पैरेट ग्रीन के खिलाड़ी उठाकर खेल दिया, लेंथ को पिक किया मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, ये कैच आसान नहीं होगा और ड्रॉप कर दिया ना, आसान नहीं होता हाई बॉल्स को लेना, कोशिश बड़ी अच्छी थी लेकिन इस कैच को फील्डर अपने हाथों में थाम नहीं पाए। और टेप बॉल में जब गेंद बैट से लगने के बाद ऊपर जाता है तो फिर बहुत ऊपर जाता है, उसकी वापसी के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, जज करना पड़ता है। अच्छी कोशिश थी, यहाँ इससे पहले हमने कप्तान की जानिब से देखा कि उन्होंने यकीनी छक्का बचाया और ये एफर्ट भी अच्छी थी और अब तक ये बेहतर ओवर साबित हुआ है अहमद का। पिछले ओवर में नुमान की बॉलिंग पर 25 रन आए थे और अब आसिफ सामना करेंगे और ये ख़राब गेंद है, ना इसको बैट्समैन खेल सके ना विकेट कीपर रोक सके, ये वाइड भी है, 4 रन भी हैं। बड़े फाइनल में इस तरह के एक्स्ट्रा से बचना होगा यहाँ पर रायवेंट को। डाउन द लेग साइड ये खराब बॉल था और जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि जो ड्यू फैक्टर है वो हो सकता है गेंद गीली है, बॉलर इसको सही अंदाज में ग्रिप नहीं कर पाते और उनके हाथ से ये गेंद छूटी और विकेट कीपर भी इस गेंद को नहीं रोक पाए। तो जो ओवर काफ़ी अच्छा जा रहा था रायवेंट पैरेट ग्रीन के लिए, इन 5 वाइड्स ने उस ओवर को तबाह करके रख दिया है। 4 गेंदों में अब 14 रन आए हैं और आसिफ के पास मौका है कि अगली 2 गेंदों में से कम एक गेंद को वो बाउंड्री के बाहर ज़रूर पहुंचाएं। इतनी अहलियत ज़रूर है आसिफ में कि दोनों गेंदों को भी बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन अहमद के पास कुछ और हथियार है। लेकिन ये गेंद चला जाएगा मैदान से बाहर आसमान की वुस्तों में, ये स्कोर बोर्ड के पीछे जो नेट्स हैं वहाँ पर जाकर ये गेंद गिरा है और ये किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में ये 6 रन्स तसव्वुर किए जाएंगे। बहुत ही बड़ा बुलंद उबाला छक्का आसिफ के बैट से आया, लेंथ बॉल था, इसको पिक किया, मिड विकेट का इंतखाब किया, अच्छा स्टांस है आसिफ का और अब दोनों जानिब से हमलावर हो रही है लाहौर सिटी की टीम इस छक्के के साथ। 50 रन्स भी मुकम्मल हुए, सिर्फ तीसरे ओवर का खेल जारी है। पहले ओवर में 2 विकेटें और उसके बाद लाहौर सिटी रायवंड पर हमले कर रही है और ये भी गेंद यकीनी तौर पर बाहर जाएगा। 2 छक्के आखिरी 2 गेंदों पर, 2 मुसलसल छक्के लगाए हैं, 26 रन आए इस ओवर में, लूट लिया अहमद के ओवर को। ये गेंद भी लेंथ गेंद थी, डीप खड़े थे अपनी क्रीज में और ये गेंद भी डग आउट के बिल्कुल सामने और गफ्फार जो कप्तान है उन्होंने भी दाद दी अपने नौजवान की। 3 के बाद 61, 2 विकेटों के नुकसान पर लाहौर सिटी ब्लूज। लाहौर क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का ये फाइनल है रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ के सिलसिले में। मुख्तलिफ 6 मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो लाहौर में खेलों की सरगर्मियों का सबसे बड़ा मरकज़ है और उसी निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम मौजूद हैं LCCA ग्राउंड में। एक तरफ हॉकी के मुकाबले हैं, दूसरी जानिब क्रिकेट का मैदान सजा हुआ है, कबड्डी का अखाड़ा भी आबाद है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सब कुछ है यहाँ। और इस दौरान गफ्फार का वही अंदाज है, वही आन, वही शान और 6 रन्स सिर्फ छक्कों में डील कर रहे हैं गफ्फार। 10 गेंदों में 42 रन्स पर पहुंच गए हैं। पीछे गिरा हुआ गेंद क्रीज में और पीछे गए, दराज कद हैं कप्तान गफ्फार और इस दवा लॉन्ग ऑन का इंतखाब किया और ग्राउंड के मुख्तलिफ हिस्सों में शॉट्स खेल रहे हैं। ये स्लो गेंद था, इसको पिक नहीं कर पाए, अच्छा चेंज ऑफ पेस किया था ताहिर ने। ये अच्छे बल्लेबाज है अपनी टीम रायवेंड के, इस वक्त बॉलिंग की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं लेकिन इनका बुनियादी काम बैटिंग में है।
जी हाँ, और ताहिर के साथ आज काफ़ी सपोर्ट आई हुई है इनके इलाके से। लोग आज इनको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में आए हुए हैं। अब से कुछ देर पहले हम इनका डिजिटल के लिए एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं। गेंद हवा में है, ताहिर खुद गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, ये आसान कैच नहीं होगा। और गेंद जो है वो नो मैन्स लैंड में आकर गिरी। इतना आसान नहीं होता इन हाई कैचेस को लेना, लेकिन अच्छी बात यह है रायविंद सिटी पैरेट, रायविंद पैरेट ग्रीन के लिए कि ये बॉल भी जो है वो बाउंड्री लेस गई है। जी हाँ, ये टॉप एज था, बहुत देर हवा में रहा, आगे दौड़े पीछे दौड़े घूम गए ताहिर, लेकिन उनकी ये कोशिश अकारत गई। लेकिन इस मैच के तनाजुर में अभी तक ये अच्छा ओवर है, पहली तीन गेंदें। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लो फुल टॉस थी, बाउंड्री की जानिब ये जा रही है और कवर बाउंड्री पार कर जाएगी। शायद ये दूसरा मौका है इस पूरे टूर्नामेंट में जब हमने कवर या पॉइंट पर बाउंड्री लगते हुए देखी है। जी हाँ, बिल्कुल लो फुल टॉस था और इसको खेला है कवर के ऊपर से। तो जो टेप बॉल क्रिकेट है उसकी खूबसूरती ये है कि अक्सर औकात सिर्फ ऑन साइड में हमें बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं, और वही वजह है कि हमने डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई फील्डर जो है वो खड़ा हुआ नहीं देखा था। सो जैसे अब की बार जो है वो अभी भी जो फील्डर हैं वो ऑफ साइड पर, सिर्फ दो फील्डर तैनात किए गए हैं, बाकी तमाम फील्डर्स को ऑन साइड पर रखा गया है। लेग साइड डोमिनेटेड फील्ड के साथ ताहिर गेंदबाजी कर रहे हैं, 13 रन दिए हैं चार ओवर में, चार गेंदों में उठा कर खेला इस गेंद को ऑन साइड में, फील्डर वहाँ पर मौजूद। ये ओवर है, ऐसा लग रहा है कि ये डिसाइसिव साबित होगा क्योंकि सिर्फ 14 रन दिए हैं पाँच गेंदों में, और अगर एक आखिरी गेंद भी अच्छी कर लेते हैं यकीनी तौर पर रायविंद पैरेट ग्रीन की टीम ये समझेगी कि चार ओवर में लगभग 75 से 80 के दरमियान का जो हदफ है वो इतना मुश्किल नहीं होगा इस विकेट पे। ये अच्छा स्कोर कर लिया है लाहौर सिटी की टीम ने, सिर्फ एक मरतबा यहाँ देखा गया है कि टीमों ने 80 से ज़ायद रन बनाए हैं, 84 सबसे बड़ा स्कोर है इस इवेंट का। आखिरी गेंद इस पहली इनिंग्स की, गफ्फार ने बल्ला घुमाया लेकिन गेंद बहुत ही आहिस्ता आई, पहले शॉट खेल गए, शानदार बॉलिंग ताहिर की जानिब से, लेग बाई का ये एक रन होगा, तो यूं 76 रन पर अपनी इनिंग्स को समेटा है लाहौर सिटी ने। आसिफ और गफ्फार ने धुआंधार बैटिंग की और इस मैच के तनाजुर में ये ताहिर का अच्छा ओवर था जिसमें सिर्फ 15 रन ही आए, वरना एक मौके पर यूं लग रहा था कि लाहौर सिटी की टीम 90 रन के भी करीब पहुँच सकती है। चार ओवर में 76 रन बना पाई है लाहौर सिटी ब्लूज की टीम। गफ्फार ने अच्छी बल्लेबाजी की, एक ओवर में उन्होंने चार छक्के जो हैं वो समेटे अपनी टीम के लिए। दोनों टीमें मेरे ख्याल है इस टोटल से खुश होंगी क्योंकि जिस तरह दूसरा और तीसरा ओवर गया था लाहौर सिटी ब्लूज के लिए 90 रन तक वो जा सकते थे, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया यहाँ पर रायविंद की टीम ने। जवाद एक रन बनाकर आउट हुए, अकबर बादशाह जो है वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, आसिफ और गफ्फार ने एक अच्छा साथ निभाया है और चार ओवर में 8 एक्स्ट्रा की मदद से 76 रन स्कोर कर पाई है लाहौर सिटी ब्लूज की टीम। आज बॉलिंग में अच्छा आगाज मिल गया था रायविंद ग्रीन को, अनस ने एक ओवर में 2 विकेटें चटकाई थी, लेकिन उसके बाद नुमान अहमद मलिक ताहिर खान इतने कारगर साबित नहीं हो पाए। आगाज अच्छा था लेकिन लाहौर सिटी ने इख्तिताम अच्छा किया है, 76 रन बना डाले हैं मुकर्रा 4 ओवर्स में। क्या ये रहा है पहली इनिंग्स का अहवाल, पहले ही ओवर में 2 विकेटें गिनी, स्लो बॉल थी, क्लियर करना चाह रहे थे फील्ड को, बड़ा शानदार कैच किया गया लॉन्ग ऑफ पर, अगली गेंद एक मरतबा फिर चेंज ऑफ पेस था, गेंद काफी देर हवा में रही, अब की बार मिड विकेट से फील्डर दौड़ते हुए आए और ये कैच भी इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बाद बैट्समैनों का ये बोल बाला रहा। गफ्फार जिन्होंने ऑन दिया ऑन द राइज, बड़ी उम्दा बल्लेबाजी की, ग्राउंड के चारों जानेब उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ से लेके डीप स्क्वायर लेग तक, तमाम जगह पर आज गफ्फार के शॉट जो हैं वो भरपूर अंदाज में बोले। साथ साथ आसिफ ने भी उतनी ही उम्दा बैटिंग की, अगरचे गफ्फार जी ने ओवर शेडो कर दिया लेकिन नौजवान आसिफ भी बड़ी उम्दा टेक्निक के मालिक हैं और गफ्फार के शाना बशाना उन्होंने बल्लेबाजी की। आखिरी ओवर कुछ अच्छा रहा लेकिन ये 76 रन एक अच्छा मजमूआ है अगर हम फाइनल की बात करते हैं, और अब रायविंद पैरेट ग्रीन्स को 77 रन चाहिए आज का मेला लूटने के लिए, ट्रॉफी उठाने के लिए।
राइव एंड पैरेट ग्रीन की टीम मैदान में उतर चुकी है। 77 रन्स इनको चाहिए ये मैच जीतने के लिए, टाइटल उठाने के लिए, ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। एलसीसीए ग्राउंड लाहौर में दोनों टीमों के मद्दाह मौजूद हैं और इन चार ओवर्स में भरपूर हौसला अफजाई देखने को मिली है दोनों टीमों की जानिब से। कल की रात राइव एंड ग्रीन्स ने शानदार खेल पेश किया था, दूसरी जानिब लाहौर सिटी के पास उम्दा बॉलिंग लाइन है। इनाम इनके स्पेयर हेड फास्ट बॉलर हैं जो इनिंग्स का आगाज़ करते हैं और यहाँ मेरे साथ कमेंट्री का आगाज़ करेंगे आसिफ। बहुत शुक्रिया फरहान भाई। और यहाँ पर बिल्कुल पहली इनिंग्स खत्म हो चुकी हैं और देखा जाएगा कि यहाँ पर अब ये रन चेस हो जाते हैं या फिर बॉलिंग साइड अच्छा आगाज करके प्रेशर बिल्डअप करेगी और फिर वहाँ से प्रेशर से निकलना इतना आसान नहीं होगा बिकॉज ये डिसाइडर मैच है। अभी तक फील्ड एडजस्टमेंट जो है वो जारी है, जो फील्डिंग सजाई गई है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ का ओखन मिड विकेट स्क्वायर लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप फाइन पर एक फील्डर तैनात, विकेटों के अकम में विकेट कीपर को देखा जा सकता है और डीप एक्स्ट्रा कवर्स में एक फील्डर मौजूद है। सो एक दफ़ा फिर तायराना जायजा लिया गया है इनाम काला की जानिब से और बिगल बजा दिया है वहाँ पर अंपायर ने कि मैच को शुरू किया जाए। जाहिद और सुफियान इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं रायवंड के लिए। पहला गेंद इस दूसरी इनिंग्स का ऑफ स्टंप से बहुत बाहर इनसाइड है जो और बोल्ड कर दिया है इनाम ने, सनसनी फैला दी है इनाम ने इस फाइनल की पहली ही गेंद पर। शानदार आगाज यहां मिला है लाहौर सिटी को और जाहिद बगैर कोई रन बनाते हुए अब जाएंगे वापस। अजी ये देखें दूर खिलाने की कोशिश थी, अंदरूनी किनारा लगा है और बॉल जो है वो यहाँ पर स्टंप्स में लगा है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अगर इनसाइड आउट ये शॉट खेलते तो बहुत अच्छा शॉट ये हो सकता था। एनीवेज अब क्या हो सकता है, यहाँ पर जाहिद शाहदरा से ताल्लुक है, बिना कोई रन बनाए पहली गेंद पर यहाँ पर नुकसान पहुँचाकर डग आउट में चले गए हैं और पहले ओवर का खेल जो है वहाँ पर दूसरी टीम का भी अच्छा नहीं रहा था, दो खिलाड़ी आउट हो गए थे। इनाम काला जिन्होंने कल भी बड़ी उम्दा गेंदबाजी की थी, चार ही रन दिए थे पहले ओवर में, दोबारा से वही कुछ सफर शुरू कर लिया है। इस टूर्नामेंट में सबसे उम्दा बॉलिंग अटैक लाहौर सिटी के पास है और बारहा उन्होंने इस बात का सबूत दिया है। 77 रन के ताकुब में इनाम ने शानदार आगाज अपनी टीम लाहौर सिटी को दिया है और अब नुमान बल्लेबाजी के लिए आए हैं, दबाव होगा इन पर, ये बड़ा फाइनल है। पहली गेंद पर जाहिद अपनी विकेट गवा बैठे हैं और इनाम अपने जोबन पर हैं। ये फुल टॉस थी और इसको फेंक दिया मैदान से बाहर, जिस तरह से ये गेंद इनाम के हाथ से निकली वैसे ही ये गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई, तो पहली विकेट का बिल्कुल भी दबाव नहीं लिया नुमान ने और आते ही शानदार छक्का जड़ दिया इनाम को। अरे ये देखे फुल टॉस बॉल था और था भी कदरे अंदर की जानिब गेंद को लाए, लेकिन बल्लेबाज के लिए ये बड़ा आसान मौका था, काफी लंबा छक्का जो है वो स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार पहुंचाया है और इस तरह रायवंड ने खाता खोल लिया है। एक दफा फिर इनाम काला ढूंढते हुए और यहां पर बॉल को फिंगर रोल किया था और डॉट पर आया है। तजर्बाकार बॉलर हैं इनाम, मुख्तलिफ वेरिएशंस इनके पास हैं जिसका वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं, तजर्बा उन्हें हासिल है, महारत उनके पास है और अगर इस तरह के बॉलर किसी टीम में हो तो वो कप्तान खुश नसीब समझा जाता है। और आज बड़ी तादाद आई है यहाँ पर क्रिकेट के मद्दाहों की, फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, हर तबका फ़िक्र के लोग इस बिग फाइनल को देखने के लिए मौजूद हैं। और ये गेंद हवा में है, टॉप एज लगा है, विकेट कीपर आए हैं और दो मरतबा ये गेंद फंबल हुआ लेकिन इसको जाने नहीं दिया, सीने से लगा लिया दूसरी विकेट यहां पर लाहौर सिटी के लिए और रायवंड की टीम अब शदीद मुश्किलात में है। हाँ जी बिल्कुल, पहले ओवर में दो विकेटें जब गिर जाती हैं आप ताकुब में जा रहे होते हैं तो फिर आपका सफर जो है वो मुश्किल हो जाता है और ये देखें सेकेंड अटेम्प्ट में बॉल को जो है वो पकड़ा है और बिल्कुल इनाम को दूसरा विकेट भी मिल गया है।
सुफियान खान बिना कोई रन बनाए यहां पर आउट। दो बल्लेबाज दोनों ने ही एक एक गेंद का सामना किया और आउट होकर डगआउट में वापस चले गए हैं। इस तरह रायविन की टीम पहली चार गेंदों में 7 रन बनाने के बाद 2 विकेटें। ये देखिए खूबसूरत नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो आज टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। टेप बॉल क्रिकेट में जो सबसे अच्छे बल्लेबाज होते हैं टीम के वही इनिंग्स का आगाज करने आते हैं, और अगर आपके दोनों ओपनर पहली पहली गेंद पर आउट हो जाएं तो फिर उस टीम की बेबसी का, लाचारगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। और तमाम तर इनाम अभी तक इनाम के हिस्से में आए हैं। 4 गेंदों पर 2 विकेटें और मजीद की तलाश है। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर था, सोचा अंपायर ने, वक्त लिया और फिर इसको वाइड करार दिया। बिल्कुल नेचुरल एलिंग जो है वो एंगल जरूर है वहां पर इनाम के पास, और लेंथ जो है वो बनाना चाहते हैं, और ये इतना आसान नहीं होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, क्योंकि आमतौर पर जो स्लॉगिंग की जाती है टेप बॉल में। तो ये देखिए बिल्कुल शायक ने क्रिकेट की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पर आई है इस ग्रैंड फाइनल मैच को देखने के लिए। एक दफा फिर इनाम गेंदबाजी जारी रखते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, छोटा बॉल हवा में और ये काफी है बिल्कुल 6 रन के लिए, बढ़िया छक्का। इनाम की जारहाना बॉलिंग का भरपूर जवाब यहां पर दिया जा रहा है। इस दफा रेहान थे, फ्रंट लेग को क्लियर किया, ऑन साइड पर ये खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बिल्कुल सीधा गया साइड स्क्रीन के करीब जाकर इसकी लैंडिंग हुई। नुमान की तरह रेहान ने भी अपनी पहली गेंद पर छक्का रसीद किया है, तो दोनों जानिब से आग का जवाब आग के साथ दिया जा रहा है। तश्वीश यहां पर जरूर है इनाम को, 2 विकेटें हासिल की हैं लेकिन 2 छक्के भी उनकी गेंदों पर आए हैं। ये लाहौर क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल है, रायवंड बनाम लाहौर सिटी। पहले ओवर का आखिरी गेंद, ये पीछे गिरा हुआ गेंद था, क्रीज से बाहर निकल गए, गेंद हवा में है लेकिन एक ऐसी जगह पर गिरा जहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। विकेट कीपर बड़ी तेजी से चाबक दस्ती से वहां पर पहुंची और सिर्फ 1 ही रन दिया। तो यूं इनाम का पहला ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा जिसमें 14 रन आए और रायवंड ने गवाई 2 विकेटें। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर 19.25 रन पर ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं और 15 रन आए हैं, तो मतलब आपको 4.25 रन अगले ओवर में बनाने पड़ेंगे और लगभग जो है वो 23 से 24 रन बनाने पड़ेंगे। सो प्रेशर जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पर रायविन की टीम ने 2 खिलाड़ी खो दिए हैं। नोमान 1 छक्के के साथ 6 रन पर और रेहान जो है वो 1 छक्के के साथ 7 रन पर, दोनों ने 2-2 गेंदों का सामना किया है। इनाम ने अपना काम जरूर कर दिया है और 2 विकेटें भी चटकाई, हालांकि 2 छक्के भी लगाए गए लेकिन रिक्वायरिंग रन रेट से नीचे जरूर है। और बल्लेबाज जो हैं वो यहां पर कुछ कर गुजरने का एक जो है वो मुसम्मम इरादा जरूर रखते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो देखना होगा यहां पर करते क्या हैं। फैजान लास्ट नाइट के हीरो हैं, कल बैटिंग की तो बहुत ही जबरदस्त की थी। ये 2 नौजवान बॉलर हैं फैजान और गुलफाम इस टीम में। अभी फैजान आए हैं दूसरा ओवर करने के लिए, पीछे गिरा हुआ गेंद, इसे ऑफ साइड पर स्मैश किया, कोई मौका नहीं। इनाम ने भी इतनी कोशिश नहीं की इस गेंद को रोकने के लिए लेकिन अच्छा आगाज यहां पर रेहान ने चौके के साथ किया है इस ओवर का। बिल्कुल बड़ी जहानत के साथ ये शॉट जो है वो खेली है और इसको बजाय इसके कि ऊंचा खेलते इसको गैप में से निकालने की कोशिश की है और फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। बॉल विंस दरेस 4 रन के लिए। सो रेहान ने यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो ले ली है और बिल्कुल पहली गेंद पर चौका, पहली गेंद पर बाउंड्री जो है वो बॉलर के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। अब दोनों जानिब से वार करना होगा रायवंड को। इस दफा भी ये गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, यही वजह है कि सिर्फ 1 ही रन हासिल होगा रेहान को। और ये सबसे उम्दा बॉलिंग लाइन है इस टूर्नामेंट की जिसमें इनाम है, फैजान है, गुलफाम आएंगे, गफ्फार कप्तान है वो भी बॉलिंग करते हैं, तो किसी भी लम्हे सुख का सांस नहीं मिलेगा यहाँ रायवंड के बल्लेबाजों को। हाँ जी बिल्कुल, नोमान लंबे कद के खिलाड़ी हैं और यहाँ पर लंबे लंबे छक्के चाहिए होंगे। ये देखें बेहतरीन चेंज ऑफ पेस और लेंथ जो थी बहुत ही आरा थी, मुकम्मल तौर पर डिसीव हुए हैं यहाँ पर, नहीं समझ पाए नोमान
एक छक्का जरूर लगाया है लेकिन तब से लेकर अब तक बल्ला खामोश जरूर है। रेहान ने दूसरा जो है वो छक्का जरूर एक चौका लगाया है और साथ में रन बनाए जरूर है। रायवन की टीम 20 पर पहुंच चुकी है। नोमान एक दफा फिर, ओ माय गुडनेस, गुड कनेक्शन एंड टू द मिडल ऑफ द बैट एंड बॉल गया है बाउंड्री के पार। शायकों ने क्रिकेट की एक अच्छी खासी तादाद यहां पर आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसानी के साथ गेंद को घुमा दिया, बल्ला सही बल्ले पर बॉल आया है और बड़ा कीमती छक्का लगा है, प्रेशर को कम करने में जरूर कारगर है। अगला बॉल है, एक दफा फिर फैजान, गुज़श्ता रात के हीरो, कमाल की अनबिलीवेबल बैटिंग की थी फैजान ने। फैजान और यहां पर बॉल को उठा दिया है कोकोन के पार 6 रन के लिए बैक टू बैक सिक्सेस। क्या ही जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर नोमान की जानिब से। नोमान और रेहान के पास अब कोई और दूसरी चॉइस नहीं है, इसको सिर्फ फ्लिक किया, एफर्टलेस शॉट था और यहां पर इस बल्लेबाज की क्लास झलकती है इस शॉट में। टेप बॉल क्रिकेट को ताकत का खेल कहा जाता है लेकिन यहां पर सिर्फ फ्लिक किया, 17 रन आगे हैं फैजान की 5 गेंदों में। तो चेज इस वक्त ऑन है रायवेंट की जानिब से और यहां पर एक अच्छी फिनिश की हम तवक्को करेंगे। बिल्कुल फैजान को भी ये बात मालूम है कि वो उस तरह की गेंदबाजी नहीं कर पाए। 3 in a row, 3 गेंदों में 3 छक्के, ओह माय गॉड, दिस इज रियली अनबिलीवेबल स्टफ बाय द बैट्समैन। ये देखे छोटा बॉल था, स्लॉगिंग नहीं की है, जस्ट उसको कनेक्टेड हुआ बॉल और गया बाउंड्री के पार। सो यहां पर अभी मैच का नतीजा तो नहीं निकला लेकिन स्पोर्ट्रान जो है वो पूरी तरह से खुश जरूर है क्योंकि जो रिक्वायरिंग रन रेट है वो पूरा हो चुका है 19 और 19। सो 2 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद रायवन की टीम ने 38 रन से बना लिए हैं और 2 विकेटें जो पहले ओवर में चली गई थी तब से लेकर अब तक कोई विकेट। ये देखें इस ओवर में लगने वाले छक्के और कमाल का रिस्वर्क है, आखिरी 3 गेंदों में 3 छक्के लगा दिए, ये बहुत ही आला पावरफुल शॉट है, ये बढ़िया। सो वॉइस में कुछ तब्दीली करते हैं और दाऊद बूच जो है वो आएंगे मैच पर मत अवसर के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी की है यहां पर नोमान ने अपनी टीम के लिए, एफर्टलेस शॉट्स खेले हैं, 38 रन्स मिल चुके हैं रायवेंट को 2 ओवर्स में और 39 रन्स चाहिए, जितने रन्स चाहिए उतने रन्स 2 ओवर्स में बना लिए हैं और यही वजह है कि एक शॉर्ट मीटिंग हो रही है लाहौर सिटी के खिलाड़ियों के दरमियान, तश्वीश है चेहरों पर, परेशानी है। रायवेंट की टीम जिसने पहले ओवर में 2 विकेटें गवा दी थी अब एक मुस्तहकम पोजीशन पर है, किस जानिब जाएगा ये मैच दाऊद? बिल्कुल पाकिस्तान का दिल लाहौर है तो ऑब्वियसली लाहौरी के लड़के यहाँ पे जान लगाते नज़र आ रहे हैं और अब कंडीशंस जो बता रही हैं वो तकरीबन जो बैटिंग साइड है वो यहाँ पे एफर्ट करती दिखाई दे रही और ये ओवर जो 3rd ओवर होता है किसी भी इनिंग का यहाँ पे जितने भी मुकाबले हों वो बड़ा एक क्रूशल ओवर होता है और तमाम जो आइज हैं वो इस ओवर पर होंगी कि ये इस ओवर में जो गुलफाम है वो कितना अच्छा और कितना कार आमिद फील्डिंग साइड के लिए साबित होता है। नौजवान फास्ट बॉलर हैं गुलफाम, अच्छी शोहरत है इनकी टेप बॉल क्रिकेट में। अच्छा गेंद था और ये फैसला शायद कुछ सख्त फैसला है क्योंकि जो वो लाइन थी उसके अंदर ये गेंद गिरा, बाद में स्विंग हुआ और यही शिकवा कर रहे हैं बॉलर गुलफाम। काफ़ी आउट स्विंग हुआ जिसकी वजह से अंपायर हैं वो उनकी जानिब से वाइड बॉल करार दिया गया है। गुलफाम ने थ्रू आउट द इवेंट बड़ी शानदार बॉलिंग कर रखी है और यहाँ पे ये इनका ओवर है वो बड़ा क्रूशल होगा लेकिन रेहान इस टाइम, रेहान और नोमान दोनों की जोड़ी है वो
खतरनाक जरूर है। इस दफा ऑन साइड पर यह गेंद था, लेग पर किया, कोशिश जरूर की थी, एफर्ट के पूरे नंबर मिलेंगे फील्डर को, लेकिन बाउंड्री बचाने से वो कासिर रहे। जो टीम रायवंड है इनके साथ क्राउड एक बड़ी तादाद में आया है और बाहर चौके छक्के पे तारीफ की जा रही है और ये एक बेहतरीन अंदाज के साथ खेला गया है। लॉन्ग लेग की जानिब भी 4 रन मिल जाएंगे। एफर्ट अच्छी थी फील्डर की यहाँ पे जरूर। ये जोर का जोड़ है जो दो बड़ी टीमों के दरमियान पड़ा है यहाँ एलसीसीए क्रिकेट ग्राउंड में। एक टीम रायवंड से आई है, दूसरी टीम अंदरून शहर पुराना लाहौर और उसके मुजाफाती इलाके शाहदरा से यहाँ पहुँची है। फरहान साहब, इस चीज़ का जिक्र ज़रूर करता चलूँगा कि यहाँ पे बड़े स्टार्स आए हैं लाहौर के, लाइक जहीर काली आप देख लें, उमर कुमार देख लें, मतलब जो नामी ग्रामी क्रिकेटर हैं लाहौर के वो यहाँ पे उन्होंने शिरकत की है। बट यहाँ पे इन दोनों टीम्स में सारे यंगस्टर हैं, गफार गोगा हैं थोड़े एजड हैं, बट बाकी तमामी की तमामी टीम है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी शानदार सारे के सारे यंगस्टर। और ये इस चीज़ का सबूत है कि वहाब रियाज साहब ने जो क्रिकेट है टेप वॉक क्रिकेट है उसको एक फर्स्ट स्टेप दिया यहाँ पे। इन तमाम इवेंट्स का मकसद यही है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। ये अच्छा गेंद था, दूर किया, जानते हैं कि रेहान ज़्यादा दराज कद नहीं है, उनकी रीच कम है, बड़ी शानदार बॉलिंग की है गुलफाम ने। और ये भी उन स्टार्स में से एक हैं जो इस टूर्नामेंट से उभर कर सामने आए हैं। बड़ी उम्दा बॉलिंग की यहाँ पे गुलफाम ने। और टेबल क्रिकेट एक ऐसी इंडस्ट्री है कि पाकिस्तान एक बॉलर्स की खेप है और यहाँ पे एहसानुल्ला आप देखें कि एहसानुल्ला आज भी वो कह रहे थे कि मैं टेबल क्रिकेट से ही अपनी जो जो ज़िंदगी है वहाँ से आगाज़ किया था, देन फिर क्रिकेट बॉल की तरफ आया और अभी तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट ज्वाइन करने से पहले वो टेबल क्रिकेट खेला करते थे। इस दफा गेंद मिल गई अपने पाले में रेहान को और ये उस गेंद को उन्होंने फेंक दिया अपने तमाशाइयों के बीच, रायवंड के सपोर्टर्स के बीच, तो दोनों जानिब से तगड़ा जवाब दिया जा रहा है। जी हाँ, रेहान ने छक्का लगा के साइकिन क्रिकेट के चेहरे पे मुस्कान जरूर दिलाई है। सो बड़ा उम्दा छक्का यहाँ पे पूरी फोर्स के साथ आए थे, हासी देर बाल हवा में रहा और ये 6 रन मिल जाएंगे जरूर। एक गेंद पर बॉलर की एफर्ट दिखाई देती है तो दूसरी गेंद पर बल्लेबाज भरपूर तरीके से जवाब देते हैं। ये दोनों बेहतरीन साइड्स हैं लाहौर क्रिकेट चैंपियनशिप की और डिज़र्व करती हैं आज की रात का फाइनल खेलना। लेकिन अब से कुछ देर के बाद सिर्फ एक ही टीम फाते बनकर मैदान से बाहर जाएगी और उसका फैसला होगा अगली 9 गेंदों पर जिसमें 28 रन्स दरकार हैं। ओ माय गॉडनेस, ये क्या छोड़ा है फरहान साहब, आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 रन जरूर आ जाएंगे और ये नोबल ऑब्वियसली करार दिया जाएगा। और यहाँ पे शाइकिन क्रिकेट जो रायवंड के सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे उनमें खुशी की लहर गूंजते हुए जरूर। नौ बॉल पे 24 रन रिक्वायर्ड हैं और यहाँ पे गुलफाम को समझाया बुझाया जा रहे हैं। एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं गुलफाम। ये गेंद गुलफाम के हाथ से स्लिप हो गई थी, ये फ्री हिट है और ये बड़ा अहम ओवर है, बड़ा अहम मौका है जहां पर गुलफाम चूक गए और अब फ्री हिट की सूरत में रायवंड के पास मौका है कि वो इस मैच में अपना पलड़ा भारी करें। और यही वजह है कि तमाम सीनियर बॉलर जो हैं नौजवान गुलफाम की रहनुमाई कर रहे हैं। एक बड़ा खूबसूरत माहौल यहाँ पे रमजानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज जिसका क्रिकेट का ये क्रिकेट चैंपियनशिप का ये ग्रैंड फिनाले और टीम रायवंड वर्सेस लाहौर सिटी के मुबैन ये ग्रैंड फिनाले जारी है। 9 बॉल पे 25 रन रिक्वायर्ड हैं।
कल 6 बॉल पे 29 रन रिक्वायर्ड थे और वो बन गए थे। अच्छा गेंद था, पीछे गिरा वो ऑफ साइड के बाहर और इस पर एक ही रन मिलेगा। फ्री हिट को बचाने में कामयाब हो गए हैं गुलफाम और जो बातें सीनियर्स ने उन्हें समझाई थी उस पर अमल किया है, उम्दा तरीके से कमबैक किया है गुलफाम ने। इस तरह कमबैक चाहिए यहाँ पे इनको, टीम इनके टीम को ज़रूरत है इस तरह के कमबैक की। अगर आप जान लगाएंगे तो फिर लाहौर पे अगले साल तक राज करते रहेंगे। लाहौर सिटी टीम डार्क ब्लू शायद इस कश्मकश में है कि ये जो 2 बॉल रिमेनिंग हैं वो उन पर बाउंड्री ना आए, बट नुमान बाहू भी जानते हैं जिन्होंने 6 बॉल पे 24 रन बना रखे हैं और इन्होंने आगाज एक शानदार किया था छक्के के साथ, बट अभी भी बड़ी लाजवाब बैटिंग। लंबे रनअप से दौड़ते हुए आए हैं गुलफाम और ये गेंद लेग साइड से काफ़ी बाहर, निशाना चूक गया, लेग स्टंप को टारगेट किया था जो दिखाई दे रही थी गुलफाम को, लेकिन ये वाइड बॉल है। ये ओवर तवील होता जा रहा है और रायवंड की टीम अपने हदफ के करीब पहुंचती जा रही है। चौवन रन अभी तक के लिए हो चुके हैं और एक बड़ा टोटल है उसका पीछा करते हुए यहाँ पे रायवंड टीम, और मैं समझता हूँ ये सारे का सारा क्रेडिट है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जाता है जिन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज 6 किस्म की मुनक्किद की हैं स्पेशली ना सिर्फ लाहौर के लिए बल्कि ऑल ओवर दी पंजाब के लिए। अगर कबड्डी की बात करूं तो पूरे पाकिस्तान से फैसलाबाद तक जो खिलाड़ी हैं उन्होंने शिरकत कर रखी है, टेबल टेनिस में सेम लाइक खानेवाल तक खिलाड़ी हैं उन्होंने शिरकत कर रखी है। एक बार फिर से गेंद बात आया और ये गेंद मिल गई नुमान को, सीधा इसको खेल दिया अपने ही तमाशाइयों के बीच में, ऑन साइड का इंतखाब किया नुमान ने और ये ओवर महंगा साबित होता जा रहा है लाहौर सिटी के लिए। जी हाँ नुमान यहाँ पे पेड़ उगाएंगे, फल तोड़ेंगे, खाएंगे और सैलेड बना के बिल्कुल खा जाएंगे। यहाँ पे बहुत लाजवाब छक्का, पूरी पावर के साथ फोर्स के साथ आए थे, यहाँ पे लाजवाब बैटिंग यहाँ पे नुमान की जानिब से। और आज वाकई में ही नाम नुमान तो करेंगे बॉलरों का नुकसान, सो ऑब्वियसली यहाँ पे नुकसान करते हुए नुमान भी। ये मिड विकेट पर लगाया गया सबसे बड़ा छक्का है जो हमारे कमेंट्री बॉक्स से भी पार जाकर पार्किंग में गिरा। ये छुपे रुस्तम खिलाड़ी हैं, पहले मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तमाम मैचेस भी इनकी बैटिंग नहीं आ सकी, लेकिन आज इस बड़े फाइनल में बड़े मुकाबले में अपने रंग दिखा रहे हैं और ये रस्सी के बिल्कुल साथ तमाम शायकीन क्रिकेट खड़े हैं, फील्डर्स पर भी दबाव होता है। आखिरी गेंद है ये इस तीसरे ओवर की, 60 रन पर पहुंच गई है रायवंड की टीम, 17 मजीद चाहिए। और ये एक और खराब गेंद, स्लोअर वन करना चाहते थे, सर के ऊपर से गई, यकीनी तौर पर नो बॉल और फ्री हिट और यूं लगता है कि गुलफाम ने रायवंड का तमाम काम आसान कर दिया है। जी हाँ गुलफाम बॉलिंग पे है तो काम आसान ही करेंगे फिर गुलफाम। सो बड़ी शानदार बैटिंग आपने नुमान की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस तरह की प्रेशर स्टेज में आपके जो जब भी 2 मेन बैटर हैं वो आउट हो जाएं उसके बाद आके अपनी टीम को सहारा देना, और रेहान एंड नुमान बहुत लाजवाब परफॉर्म यहाँ पे करते हुए। अब यहाँ पे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो जवाब साहब समझा बुझा रहे हैं कि ये जो स्पेशली लास्ट डिलीवरी है इस पे जो है वो नतीजा जो स्पेशली फिल्टर्स हैं उनके अगेंस्ट नहीं आना चाहिए, मीन को बाउंड्री नहीं आना चाहिए। अगर बाउंड्री सेव हो जाती है तो फिर भी लास्ट ओवर है उस पे जान लगाते नजर आएंगे। और ये आसिफ या आज के हीरो जिन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की यहाँ पे, लेकिन जितना नुकसान होना था वो हो चुका है, बॉडी लैंग्वेज अब गिर चुकी है लाहौर सिटी की। ये आखिरी गेंद और ये भी मिल गया नुमान को, इंतखाब किया डीप स्क्वायर लेग का और ये तमाशा इस तरह मैदान में आ चुके हैं कि जैसे रायवंड ने ये मुकाबला जीत लिया हो, लेकिन रायवंड की टीम अब जीत के बहुत करीब पहुंच चुकी है। 27 रन
दे बैठे गुलफाम तीन के बाद 67 रायवेंट। ये बेहतरीन शॉट यहाँ पे हासा है, लंबे छक्के लगाने की वजह से जितने दराज कद के मालिक हैं उतने ही लंबे छक्के लगाते हैं नवान यहाँ पे। और अब 6 बॉल पे 10 रन की दूरी है और यहाँ पे समझाया बुझाया जा रहा है बैटर्स को। ऑब्वियसली अब देखना जरूरी कि बॉलिंग साइड में कौन जिम्मेदारी लेता है। ये हासा महंगा उभर रहा है, 27 रन इस ओवर में आए हैं और अब क्राउड है और वो स्पेशली जो रायबंड पैरट ग्रीन का स्पोर्टर्स हैं वो अब यहाँ पे जरूर एक्साइटमेंट के लिए तैयार होंगे जिस अंदाज से यहाँ पे नुमान और रेहान की जोड़ी ने बैटिंग कर दी है। पिछले 2 ओवर में 52 रन आए हैं बट ये देखे आप नन्हे मुन्ने बच्चे बुजुर्ग जरा तमामी के तमामी जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इस रमजान क्रिकेट से लुत्फंदोज होने के लिए यहां पे पहुंचे हैं। 6 बॉल 10 रन दरकार और यहां पे 6 बॉल पे 10 रन दरकार है लेकिन लाहौर सिटी हार मानने को तैयार नहीं है क्योंकि यहां पे जान लगाती नजर आएगी। गफार गोका को लाया गया है ओवर के लिए जो कि कप्तान भी है। हम क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या लास्ट ओवर है, कप्तान ने खुद जिम्मेदारी संभाली और क्या ये सेव कर सकते हैं। सिर्फ 2 स्ट्रोक्स की दूरी पर है अब रायवेंट की टीम। गफ्फार तमाम मैचेस में आखिरी ओवर करते रहे हैं लेकिन ये 10 रन्स बचाना यहाँ पर इतना आसान नहीं है और यही वजह है कि रायवेंट के जो सपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं कि जैसे ही 2 बड़े स्ट्रोक्स लगें तो वो मैदान के अंदर चले जाएं अपनी टीम के साथ जश्न मनाएं। और गफ्फार खुद कप्तान है, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट की एग्जांपल पेश करना होगी। यहाँ पर खेल रुका हुआ है, फील्ड में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, इससे पहले बैटिंग साइड के खिलाड़ी मैदान में आए, उन्होंने अपने बैटर्स को कुछ टिप्स दी बताया, बॉलिंग साइड ने एक मीटिंग की और अब गफ्फार आखिरी ओवर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ज़्यादातर फील्डर्स ऑन साइड पर हैं, थर्ड मैन को देखा जा सकता है ऑफ साइड पर और ये चौथे और आखिरी ओवर का पहला गेंद गफ्फार का। बल्ला ज़रूर घुमाया था लेकिन पेस बहुत ही कम, इस दफ़ा 1 ही रन मिलेगा रेहान को और अब डेंजर मैन नुमान आ गए हैं क्रीज पर। जी हाँ, नुमान खतरनाक खिलाड़ी टेबल क्रिकेट का, चूँकि ये टैलेंट की तलाश थी लाहौर को और ये टैलेंट निखर के सामने आया। लाइक नुमान आप देख लें, छुपे हुए रुस्तम निकले उनके साथ आप बात करता चलो, आसिफ की सेम लाइक वो भी बड़े शानदार बैटर। सो लाहौर के इस यंग टैलेंट की ज़रूरत है लेकिन गफ्फार हासे तजर्बा है, 2002 से टेबल क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। ये 2023 है और यहाँ पर नुमान का राज है, गफ्फार को आड़े हाथों लिया, ये छक्का लगा दिया नुमान ने और अब बिल्कुल 1 स्ट्रोक के फासले पर है रायवेंट की टीम ये मुकाबला और ये फाइनल अपने नाम करने के लिए। देखिएगा पूरी पावर के साथ हिट की है और 6 रन आ जाएंगे यहाँ पे लॉन्ग ऑन की जानेब, बेहतरीन शॉट यहाँ पे था। ये अब आखिरी लम्हात हैं इस फाइनल के, रायवेंट की टीम सब्ज वर्दियों में मलबूस और ये हमारे कैमरामैन हैं अंजुम हैं और बड़ी शानदार प्रोडक्शन देखने को मिली है लाइव 360 और TPT की जानिब से। अंजुम को भी आपने देखा, शर्जील हैं, अता हैं, शानदार कैमरा वर्क हमें इस पूरे इवेंट में देखने को मिला है। गफ्फार का ये स्लो गेंद था, इस दफा चूक गए, रेहान ने रन लेना चाहा और ये बाई का 1 रन मुकम्मल हो गया। तो अब 3 गेंदे हैं, 2 रन हैं और गफ्फार अगर कोई चमत्कार नहीं करते तो रायवंड की टीम आसानी से ये मैच जीत जाएगी। ऑब्वियसली बिल्कुल यहाँ पे रायवंड है वो जीत के करीब है और बड़ा जबरदस्त खेल पेश किया यहाँ पे। ये अता है नौजवान कैमरामैन है, बहुत मेहनती हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में भी ये कैमरामैन दिखाई देते हैं। हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाएं जानिब शर्जील हैं
अंजुम है, अता है और ये कराची से आए हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए। बड़े इवेंट्स में इनका क्या नाम था, एक गाली मार्केट में इवेंट हुआ था वहां पे इन्होंने आज कहां से रन सेव किए हैं। ये गेंद फैसला कौन साबित हो सकती है, तमाम फील्डर्स बैट के करीब हैं। गफ्फार का ये गेंद, इसको हवा में खेल दिया और अब ये गेंद जहां भी जाएगा रायवेंड की जीत यकीनी हो गई और ये चौका और इसके साथ रायवेंड के तमाम हामी तमाम सपोर्टर्स मैदान में आ गए हैं और ये एलसीसीए ग्राउंड जो है वो भर गया है रायवेंड के सपोर्टर से, खिलाड़ियों को कंधों पर उठा लिया है। ये 8 विकेटों से कामयाबी मिली है रायवेंड की टीम को, रायवेंड की टीम के नारे लग रहे हैं, खिलाड़ियों को कंधों पर उठाया हुआ है और ये विनिंग शॉट था जो रेहान ने लगाया एक्स्ट्रा कवर की जानिब चौका और उसके साथ ही जश्न का आगाज। ये देखिए रेहान को उनके हामी कंधों पर उठाकर मैदान से बाहर लेकर आ रहे हैं, नुमान भी अपने साथियों के शानों पर बाहर आ रहे हैं और यकीनन ये इसी तरह के इस्तकबाल के मुस्तहक हैं। इन्होंने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई है रायवेंड की टीम के लिए, अपनी टीम को फाते बनाया है लाहौर क्रिकेट चैंपियनशिप में। जी हाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद टीम रायवेंड को कि एक शानदार जीत है वो अपने नाम की है और लड़े हैं जरूर। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करता चलूं लाहौर सिटी की, उन्होंने भी बड़ा शानदार खेल पेश किया लेकिन आज दिन था और जिस अंदाज से नुमान ने बैटिंग कर दी है, नुमान एंड रेहान की जोड़ी ने बहुत लाजवाब ट्रेमेंडस बैटिंग और ये शायकी ने क्रिकेट जो इस टाइम नुमान और रेहान को स्पेशली कंधों पे उठाए उनका एक शाबाश दी उन खिलाड़ियों को और अब यहाँ पे जश्न का समा खुशी जरूर मनाई जा रही है। बिल्कुल यहाँ पे खूबसूरत क्रिकेटिंग माहौल था और उसमें ये ग्रैंड फाइनल हुआ और 8 विकेट से यहाँ पे रायवेंड पैरेट ग्रीन की टीम ने जो है वो फतह अपने नाम की है, एक शानदार जीत अपने नाम करने के बाद यहाँ पे इस टाइम जश्न है। ये पूरी रात मनाया जाएगा क्योंकि रायवेंड टीम है वो लाहौर पे राज करेगी अगले साल तक, अगले रमजान तक, क्योंकि एक ऐसा इवेंट होता है जिसको जिसका माशाल्लाह से पूरे लाहौर को इंतजार रहता है। सो एक कमाल का इवेंट यहाँ पे जारी है और उसका आज ग्रैंड फिनाले टीम रायवेंड पैरेट ग्रीन ने अपने नाम किया है और इस टाइम हमारे अगर आप क्राउड की मैं लगभग तादाद बताता चलूं तो 1000+ क्राउड यहां पे मौजूद है जो कि स्पेशली इस टेबॉक क्रिकेट इवेंट को एंजॉय करने के लिए आए हैं। ये शहरयार भाई शेरी जो के हमारी जान है ट्रांस ग्रुप की, अभी तक क्राउड की खासी तादाद यहाँ पे मौजूद थी लेकिन यहाँ पे जाहिद जिन्होंने बिना कोई रन बनाए, सुफियान जिन्होंने कोई रन ना बनाए, नुमान जिन्होंने 42 रन बना के कलरफुल इनिंग खेली और रेहान जिन्होंने सिर्फ 28 रन बनाए और इसी के साथ 3.4 ओवर में ही ये मैच है वो अपने नाम किया है। यहाँ इनाम ने अच्छा आगाज दिया था, अपनी टीम को 2 विकेट ली लेकिन उसके बाद फैजान और गुलफाम बहुत महंगे साबित हुए और जब गफ्फार को गेंद मिली तो सिर्फ 10 रन चाहिए थे और यूं 2 गेंदे पहले ही हदफ का ताकुब कामयाबी से किया रायवेंड ने और ये टाइटल अपने नाम कर लिया है जिसमें लाहौर शहर की 10 बेहतरीन
टीमों ने शिरकत की थी लाहौर क्रिकेट चैंपियनशिप में, और यहाँ इसका फाइनल खेला गया है। और इस तरह से इनिंग्स का आगाज हुआ रायवंड का, इनाम के पहले ही गेंद पर विकेट मिली, उसके बाद नुमान ने आते ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए, लेकिन दूसरी कामयाबी भी इनाम ने अपने पहले ही ओवर में हासिल की, लेकिन इसके बाद कामयाबी के लिए तरसते रहे लाहौर सिटी के बॉलर्स। नुमान और रेहान की जोड़ी ने ज़ोरदार छक्के लगाए, ख़ास तौर पर नुमान की बल्लेबाजी दीदनी थी, जिन्होंने उम्दा शॉट्स खेले, फ्लिक भी किया, भरपूर कुवत के शॉट्स भी लगाए, अपने लंबे कद का पूरा फ़ायदा उठाया। रेहान भी जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला वो भी बॉलर्स की दुर्गत बनाते रहे, और ये मैच बिल्कुल यकतरफा अंदाज से अपने नाम किया है, लाजवाब बल्लेबाजी की है नुमान ने, विकेट के चारों जानिब स्ट्रोक्स खेले और जो गेंद भी उन्हें अपनी रेंज में मिली, और ये वो विनिंग स्ट्रोक था जो रेहान ने लगाया, और ये इस बात का, ये जश्न इस बात का ऐलान है कि रायवंड पैलेट ग्रीन की टीम 8 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल कर चुकी है और फाइनल अपने नाम किया। ये मैच समरी पर एक निगाह डालते हैं, 76 रन बनाए मुकर्रा 4 ओवर्स में, लाहौर सिटी ने 2 विकेट गंवाकर, कप्तान गफार ने 12 गेंदों पर 44 रन की इनिंग्स खेली, आसिफ ने 23 रन बनाकर उनका साथ दिया, अनस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और जवाब में 3.4 ओवर्स में मतलूबा हदफ हासिल कर लिया रायवंड पैरेट ग्रीन ने। नुमान ने सिर्फ 11 गेंदों पर 42 रन की गैर मामूली इनिंग्स खेली और रेहान ने उनका साथ दिया 28 रन नाकाबिल शिकस्त के साथ, और 2 विकेटें मिली इनाम को। तो यूं रायवंड ने 8 विकेटों से ना सिर्फ ये मैच बल्कि चैंपियनशिप भी जीत ली है, लेकिन ट्रॉफी उठाने के लिए रायवंड की टीम को इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब 11 अप्रैल को रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद होगा तो वहां पर रायवंड की टीम को उनकी विनिंग ट्रॉफी दी जाएगी। तो उस वक्त तक के लिए हम भी आपसे अब इजाज़त लेंगे, अल्लाह हाफिज़।